हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेंगलुरु में रामनवमी पर भव्य श्री राम रथ यात्रा का हुआ आयोजन। बेंगलुरु शहर में श्री रामनवमी पर समस्त सनातनी बंधुगण के तत्वावधान में भव्य श्री राम रथ यात्रा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद स्टैचू, स्वामी लालदास मंदिर, बलिपेट से श्री राम रथ यात्रा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम श्री राम दरबार की पूजा अर्चना की गई तथा भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में बेंगलुरु सेंट्रल सांसद पीसी मोहन, चिकपेट के पूर्व पार्षद एएल शिव कुमार, लीला शिव कुमार, भाजपा गांधीनगर मंडल अध्यक्ष शैतान सिंह ने श्री राम रथ यात्रा में उपस्थित राम भक्तों को संबोधित किया। तत्पश्चात हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने के बाद श्री राम रथ यात्रा प्रारंभ हुई। श्री राम रथ यात्रा विशाल शोभा यात्रा अक्की पेट, कॉन्टन पेट, सुल्तान पेट, बले पेट, आरटी स्ट्रीट, एवेन्यू रोड, किलारी रोड होते हुए बीवीके आयंगर रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंची। श्री राम मंदिर में पूजा पाठ, मंगल आरती एवं सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन होने के बाद श्री राम रथ यात्रा का समापन किया गया। चिकपेट क्षेत्र में आयोजित इस श्री राम रथ यात्रा का पहली बार आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्तों ने भाग लिया। शोभा यात्रा पर विभिन्न मार्गों पर पुष्प वर्षा की गई तथा जगह जगह ठंडे जल, छाछ, जूस की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में भाजपा शहर अध्यक्ष मंजूनाथ, सप्तगिरी गौड़ा, विजेंद्र, शिव शंकर, वेंकटेश कुमार, विजय कुमार उपस्थित रहे। इस विशाल आयोजन में प्रताप पटेल, मुकेश अग्रवाल, हरक चंद बाफना, रमेश वैष्णव, रागाराम, कांतिलाल राजपुरोहित, गोविंद सिंह, किशोर सिंह रड़ावास, जीतू पड़ियार, प्रभु देवासी, भरत राजपुरोहित, आनंद छाजेड, प्रकाश कुमावत, जितेंद्र शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विशेष सहयोग प्रदान किया। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।